राज्य आगुआ विधानसभा निर्वाचन को नहीं स्पष्ट होबार लागिछ चित्र। अक्टोबर में विधानसभा भंग करिबा पई सुपारिश करि परंती मुख्यमंत्री। राज्यपाल सुपारिश ग्रहण करले भंग हेबो ओडिसा विधानसभा। गत जुलाई मासरु आगुआ निर्वाचन को नहीं चली जोरदार चर्चा। बीजेडी सरकार रो विभिन्न कार्यक्रम व पदक्षेप चर्चा जगाउछि खराग। राज्य में आगुआ निर्वाचन चर्चा होगा धीरे धीरे निश्चितता आरकु गति करिवार लागिछि। गत जुलाई मासरे केन्द्र निर्वाचन कमिशनर निकटरु राज्य ईवीएम व वीवीपैट आसीबा आरंभ होबा परठारु राज्य में आगुआ निर्वाचन नहीं चर्चा जोर धरिथिला। विभिन्न राजनीतिक दल मध्य प्रकारांतर में आगुआ निर्वाचन लागि प्रस्तुत थिबा कहिथिले। आउ याहाकु नै आज पर्यंत राज्यव्यापी चर्चा लागि रहिछि। तबे एभली परिस्थिति रे सेप्टेम्बर 13 तारीख रे ओडिसा गस्तरे आसुछंती केन्द्र निर्वाचन कमिशनर अधिकारी। आगुआ निर्वाचन चर्चा भितरे एभली गुरुत्वपूर्ण सूचना देछंती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धळ। तबे से कहिछंती जे एही गस्त समय रे केन्द्र निर्वाचन कमिशन सदस्य राज्यर समस्त जिल्लार जिल्लापालक सह निर्वाचन संबंधी आलोचना करिवे। निर्वाचन नहीं राज्य निर्वाचन अधिकारी पक्षर मध्य प्रस्तुति चली। राज्य साधारण निर्वाचन आवश्यक ईवीएम पहुंची सारी। 9 जिला वीवीपैट भी पहुंची सारी। तेज आसंता अक्टोबर मसने समस्त ईवीएम और वीवीपैट जांच हो भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया आरंभ कर तबे निर्वाचन यह एक प्रक्रिया। आउ आगक निर्वाचन नहीं यार कौन संपर्क नहीं बोली राज्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धळ स्पष्ट भाव में। अन्यपटे नवीन सरकार विभिन्न योजना घोषणा एवं बहु जटिल प्रसंग में फटाफट निष्पत्ति आगुआ निर्वाचन चर्चा को खराक जगाउछि। सेभली मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे 5D सचिव भिके पांड्यान माराथन जिला गस्त कार्यक्रम मध्य बीजेडी सरकार आगुआ निर्वाचन लागि प्रस्तुति करछु बोली संकेत देउछि। सांविधानिक नियम अनुजाई मुख्यमंत्री चाहिले कार्यकाल शेष होबा पूर्वरु विधानसभा भंग करबा पई राज्यपाल को प्रस्ताव दे पारिबे। आ राज्यपाल यह ग्रहण कले ओडिसा विधानसभा भंग हेबो एवं निर्वाचन कमिशन निर्दिष्ट समय मध्य निर्वाचन करेबा को विज्ञप्ति जारी करेंगे। तबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक केउ समय रे एही निष्पत्ति नेबे ताहा रहस्यमय होई रहिछि। तेणु अनुमान करा जाउछि जे अक्टोबर मासरे से एभली घोषणा करि परंते। सेबले सब राजनीतिक दल मध्य आगुआ निर्वाचन नहीं संकेत पाइछन्ति। तबे केही मध्य खोला खोली कहुनांति किंतु जे कौन समय निर्वाचन दल प्रस्तुत सब दल नेता कहते सत पट्टनायक 113 जन को तेज जहाँ एरिया बुल सारी 5 जन 6 जन गोटे गोटे एरिया कई खर्च कर बाहर ना समस्त पकटर काढ़ी पूरा घिरीघिरी ही बुलुंट 96 आम हम सत पट्टनायक मुख्यमंत्री आमर से 310-315 भाया हम एमपी ओडिशा रु जिबे 11 एमपी आमर राहुल गांधी एबे प्राइम मिनिस्टर। बिजु जनता दल गरीब जनसाधारण पे काम करे। मु निज कथा मु कहिबी आमे सब बेले माटरे अछु गरीबों पाखरे अछु। माननीय मुख्यमंत्री जो योजना करछन्थे ताकु सफल रूपायन करियारे प्रयास जारी रखिछु। माटरे बिजु जनता दल सब बेले निर्वाचन प्रस्तुत। देखो एटा तो पूरा संगठन रो कथा मु निज निर्वाचन मंडली कथा अलगा तो संगठन रे निश्चित भाव रे समस्ते सब प्रस्तुत होगी। अच्छा संगठन सब प्रस्तुत यहाँ गोटे निरंतर प्रक्रिया संगठन काम तो सब चली थाए किंतु विधायक हिसाब से विधानसभा नोटिफिकेशन हला परे जना पड़ो कौन स्थिति अच्छी। 2004 पर साधारण निर्वाचन सह ओडिसा विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हो आसुछि। सही हिसाब से देखा गले 2024 मार्च निर्वाचन पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। एप्रिल रे भोटिंग हेबो एवं मे मासरे नुआ सरकार गठन हेबो। तबे विभिन्न राजनीतिक कारण जगु मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साधारण निर्वाचन पूर्वरु विधानसभा निर्वाचन करेबाकु चाहुचंती बोली अनेक दिन हेला चर्चा चलिछि। आउ धीरे धीरे बीजेडी सरकार विभिन्न कार्यक्रम व पदक्षेप याकु स्पष्ट करिवार लागिछि। ब्युरो रिपोर्ट ओडिसा न्यूज रूम।